हाई यू गाइज, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे पूरे रेजिग्नेशन प्रोसेस के बारे में, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, क्या ऑफिशियल चीजें इन्वॉल्व है, पूरा प्रॉपर चैनल के थ्रू जैसे मैंने रेजिग्नेशन अपना दिया है उस प्रोसेस के बारे में बात करने वाली हूँ, बॉन्ड अमाउंट के बारे में बात करने वाली हूँ, कितना जीएसटी वगैरह सब लगता है, वो सारी चीजें। बट उससे पहले, क्योंकि हमारे आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की नोटिफिकेशन आपको पता है आउट हो चुके हैं, 27th तक रजिस्ट्रेशन है और उसके बाद बहुत कम टाइम हमारे पास बचा है प्रीलिम्स के लिए, तो आपको एक्सेलरेट करना है अपनी परफॉर्मेंस को और उसका बेस्ट तरीका है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, चेकआउट करिए। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, परसेंटाइल एंड एक्यूरेसी पे सुप्रीम फोकस रखिए, 90 प्लस लाने की कोशिश करिए। अगर आपने ये चीज कर लिया तो प्रीलिम्स आपका क्लियर होगा ही होगा। तो मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए चेकआउट करिए। और अब चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ जी, तो जब मेरा रेजिग्नेशन प्रोसेस पूरा शुरू हुआ तो मैंने उसकी क्लिप्स कुछ छोटे छोटे बनाई थी जब मैंने अपना रेजिग्नेशन लिखा। तो जिन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे देती हूँ। जब हम बैंकिंग जॉब में सिलेक्शन ले लेते हैं और उसके बाद जब हम बैंकिंग जॉब शुरू करते हैं तो हमसे एक बॉन्ड साइन करवाया जाता है। आप चाहे क्लरिकल की बात कर लीजिए, चाहे आप ऑफिसर्स कैडर में बात कर लीजिए, सब लोगों का बॉन्ड होता है। वो वेरी करता है बैंक टू बैंक कि उनका ड्यूरेशन कितने टाइम का होगा और क्या वो बॉन्ड अमाउंट ले रहे हैं। मोस्टली ऐसा होता है क्लरिकल के लिए 1 लाख का बॉन्ड होता है और जो ऑफिसर कैडर में लोग ज्वाइन करते हैं उन लोगों के लिए 2 लाख का बॉन्ड होता है। मोस्टली 3 साल के लिए होता है, बाकी फिर बैंक टू बैंक भी डिपेंड कर सकता है। तो जो मेरा बॉन्ड था वो 2 लाख का था 3 साल के लिए, कि अगर आप उससे पहले रिजाइन करते हैं तो आपको 2 लाख जो बॉन्ड अमाउंट है वो सबमिट करना पड़ेगा। अब मैंने कहीं एक सर्कुलर पढ़ा जहां पर लिखा था कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये ट्रांसफरेबल होते हैं। 2004 में एक इस तरह की ही आरटीआई फाइल हुई थी जिसमें कि वो बॉन्ड बताया गया था कि ये ट्रांसफरेबल है। वो कोई और एग्जाम का था बट वो मेरे एक फ्रेंड ने मेरे साथ शेयर किया। मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, क्या पता ये बॉन्ड मेरा भी ट्रांसफर हो जाए। तो पहले मैंने अपने रीजनल ऑफिस में बात की, वहां से उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद मैंने अपने हेड ऑफिस बात की, उन्होंने भी कहा कि आपका बॉन्ड ट्रांसफरेबल नहीं है। आपके बॉन्ड में साफ साफ लिखा है कि अगर आप रिजाइन देते हो 3 साल से पहले तो आपको आपका जो बॉन्ड अमाउंट है वो पूरा पूरा देना पड़ेगा। फिर मैंने आरटीआई फाइल की, मेरे पास रिप्लाई आया कि आपका बॉन्ड जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है टू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फिर शुरू हुआ मेरा रेजिग्नेशन का प्रोसेस। देखिए, जब भी आप ज्वाइन करते हैं बैंक और 1 साल के अंदर अगर आप अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं तो आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ता है, वरना आपको 2 लाख के साथ साथ अपने 1 महीने की ग्रॉस सैलरी भी जमा करनी होती है बैंक को। तो मैंने अपने एचआर मैनेजर से बात की इस बारे में कि मुझे कितना अमाउंट टोटल जमा करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि 2 लाख प्लस ग्रॉस सैलरी, क्योंकि आपको अभी 1 साल नहीं हुआ है। मैंने अपनी सर्विस ज्वाइन की थी बैंक में 7 जून 2021 को, और कोइंसिडेंस की बात कहिए या फिर किस जो भी कहिए कि मैंने रिजाइन किया है एग्जैक्टली सेम डे 7 जून 2021 को वहां से रिजाइन हुआ है। तो मैंने सिर्फ 2 लाख का बॉन्ड अमाउंट जो है वो भरा है, क्योंकि मैंने 1 महीने का प्रायर नोटिस सर्व किया अपना और उसके बाद फिर मैंने 7 तारीख को अपने 2 लाख पूरे जमा करके वहां से रेजिग्नेशन ले लिया। लेकिन इतना सिंपल नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं, नो ड्यूज होते हैं, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होती हैं जो आपको फिल करनी होती हैं, आपको बहुत सारे फॉर्म्स भरने होते हैं। तो वो सब मैं इस पूरी प्रोसेस में आपको शेयर करूंगी छोटे छोटे क्लिप्स के साथ। तो चलिए, मेरी जर्नी में आपका स्वागत है। सो आज है 18th of April और मैं अपने ऑफिस में बैठी हूँ और मैं रेजिग्नेशन लिख रही हूँ अपना। सो आई एम डॉक्यूमेंटिंग इट कि मुझे बाद में याद रहे। 18th of April को मैंने नोटिस पीरियड मतलब दिया है, नोटिस दे दिया है मैंने। 1 महीना नोटिस पीरियड सर्व करना है और उसके बाद फिर मैं रिजाइन कर सकती हूँ अगर 1 महीना मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो। अभी डीवी और उसका कुछ तो मेल आया नहीं है, बट अगर मैं 1 महीने का नोटिस पीरियड नहीं दूंगी तो मुझे 50,000 मतलब जितना 1 मंथ का सैलरी वो पूरा और देना पड़ेगा विद 2 लाख जो बॉन्ड मनी है।
यार मेरा नोटिस पीरियड कंप्लीट होने पर था और कोई भी मेल हमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से नहीं आया था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल श्योर होना चाहती हूँ जब तक मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल सब कुछ सक्सेसफुल नहीं हो जाता है, मतलब मैं ऑफिशियली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एम्प्लॉय नहीं हो जाती हूँ, तब तक आई विल कंटिन्यू वर्किंग विद बड़ौदा यूपी बैंक। तो उस चक्कर में मैंने पूरा अपना नोटिस पीरियड एक्सटेंड करवा लिया। तब फिर फाइनली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मेल आता है कि आपका जो डीबी है वो 1 से 4 के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा, और जो मुझे डेट मिली उसमें वो थी 4th of June, जो कि आप लोग मेरे व्लॉग में देख चुके हैं। बहुत सारे बैंक्स में जैसे कि आपको 2 लाख जमा करना है, लेकिन वो जीएसटी अमाउंट के साथ जमा करना होता है, 18% के जीएसटी का ऐड करके उसके बाद आपको टोटल 2 लाख एंड जीएसटी ऐड करके जमा करना होता है। बट एज आई टोल्ड कि हर बैंक का अपना अलग अलग तरीका होता है। आप जैसे बड़ौदा यूपी में देखेंगे तो उसमें बॉन्ड में लिखा हुआ था कि आपको सिर्फ रेजिग्नेशन पर 2 लाख ही जमा करना है, और साथ में आपको जो 1 महीने का ग्रॉस सैलरी होगा अगर वो जमा करना है, अगर आप नोटिस नहीं सर्व करते हैं तो। एस्पिरेंट लोग ऐसे ही होते हैं, हम लोग किसी भी जॉब से, किसी भी अपॉर्चुनिटी से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, हम हमेशा करते रहते हैं ट्राई, वी हैव दैट हंगर टू यू नो ट्राई एंड एस्पायर फॉर मोर एंड मोर। तो वही चीज़ मेरे अंदर भी है, अभी भी मुझे नहीं लगता कि मैं शायद सेटिस्फाइड रहूँगी अपनी जॉब से कि नहीं, आई मे बी ट्राई फॉर मोर, मिलता है कि नहीं वो अलग चीज़ है, बट आई थिंक आई ट्राई फॉर मोर। तो अभी जो मैंने जितना भी अपने अर्न किया इस पूरे 1 साल में RRB PO की जॉब में, मैंने कोई सेविंग्स नहीं रखी हैं, लिटरली मैंने जितना भी सेव किया था वो सब का सब मेरा बॉन्ड अमाउंट में चला गया। अच्छी चीज ये थी कि मैंने जितना भी अमाउंट भरा है मैंने खुद की सेविंग से भरा है, बट नाउ आई एम बैंकक्रप्ट, अब मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं बची है, कुछ भी नहीं बचा है। तो आप लोग अगर ज्वाइन करते हो कोई ऑर्गेनाइजेशन और आपको बिल्कुल ये है कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल भी नहीं टिकना है, तो बड़ा सोच समझ के करना, क्योंकि मुझे 2 लाख पे करने पड़ते हैं, सच में बहुत हैवी अमाउंट लगता है। शुरू में लगता है कि हम तो दे देंगे, क्या हो जाएगा, बट जब एक्शन में पे करने की बात आती है वो इतनी हार्ड अर्न मनी रहती है ना आपकी, कि सच में बहुत दुखता है जब वो पे करना पड़ता है। तो ये थी मेरी पूरी जर्नी रेजिग्नेशन की। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, और अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं, अगर मुझे आइडिया होगा तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। बाकी मैं और अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपसे मिलती रहूंगी, टिल देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल और लाइक करो वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो, और अगर किन्हीं को जरूरत है ये देखने की तो उनके साथ शेयर भी करो। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।